उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ थाने में न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रास्ते में यहाँ गौरव घाट से पहले एक प्राइमरी स्कूल पड़ता है, वहीं पे हमको दो लोगों ने मतलब हाथ दिया, हम रुक गए। उसके बाद हमसे मतलब पूछने लगे बैग में क्या रखा है, हमने कहा कुछ नहीं है। फिर वो खुद ही मतलब छीना छोड़ी करने लगे, तो हमने उनको धक्का दिया। फिर बहरहाल उन्होंने धक्का दिया तो एक ने हमको धक्का दिया, एक ने गोली मारी। गोली तो चलाना चाहता था मैं यहाँ पे, लेकिन उसके धक्का देने की वजह से गोली हाथ पे और मैं गिर गया। उसके बाद वो बाइक से मतलब डिग्गी से पैसा ना निकाल के पूरी बाइक लेके चले गए। कितना पैसा था? 2.5 लाख रुपये। कहाँ से लेके आ रहे थे आप? मैं खाद का मतलब खाद जो खेतों में पड़ता है उसी के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उसी का टर्न ओवर उतना हमारा रहता है, आता रहता है। आयुष वर्मा नाम के व्यक्ति जो कि थाना थानू क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वो शहर से थाना तारून क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। रास्ते में थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में दो व्यक्ति जिनके नाम संजीत वर्मा और लल्लू हैं, उन्होंने वादी के बाएं हाथ में गोली मार के उनसे 2.5 लाख रुपए छीन लिए। तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हो गई सूचना प्राप्त होने पे, और जो एक आरोपी है उसको अप्रीहेंड भी कर लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। उसके द्वारा ये बताया जा रहा है प्रारंभिक पूछताछ में कि वादी से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी कारण इस पे आरोप लगाया जा रहा है। पूरी घटना की गहनता से छानबीन की जा रही है, जल्द ही पूरे मामले का अनावरण किया जाएगा। दरअसल मामला मसौधा ब्लॉक के दौलतपुर कुर्बान बाबा मजार के पास एक गरीब परिवार दबंगों से परेशान है। गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, जिसमें पीड़ित सीढ़ियां बना रही हैं, जिसको दबंगों ने विरोध किया और सीढ़ियां बनाने से मना किया। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई, जिसकी कप्तान साहब ने मामले में सुनवाई की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं